दोस्तों आपका स्वागत है आज वेकेशन में। यहाँ पे डेली जॉब अपडेट एडमिट कार्ड डिजिटल से वीडियो अपलोड करता रहता है, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आज हम आपको दिखाएंगे 2018 का मुंबई का कट ऑफ कितना परसेंटेज पर सिलेक्शन हुआ था, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बनेगा तभी आपके सारे डाउट और सॉल्व क्लियर होंगे। और इसमें हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक है। तो इस वीडियो में पूरा आपको कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज सबका हम कट ऑफ दिखाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका ऑनलाइन डेट था 7/1/2020 और लास्ट डेट है जो आपका 6/2020, तो यही आपका लास्ट डेट है। तो हम आपको दिखा रहे हैं रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ भी पूरा हम आपको दिखाएंगे कैटेगरी वाइज सबका, हम एक कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज सबका हम आप दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिए, बहुत मेहनत से ये सब ढूंढ के लाना पड़ता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। चलिए नीचे आने के बाद से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जितने भी यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं सभी ट्रेड का कैटेगरी वाइज एक एक करके हम आपको पूरा इसमें दिखाएंगे। जो भी आप ट्रेड से फॉर्म फिलअप किए हैं, जो भी आपका ट्रेड है, सभी ट्रेड का हम आपको कैटेगरी वाइज दिखाएंगे, ट्रेड वाइज किसका कितना कट ऑफ बना था। देख सकते हैं जितने भी आप बहुत सारे ट्रेड में आया था आपका, तो नीचे आने के बाद से हम आपको दिखा दें, देखिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो आज की डेट में वीडियो हम बना रहे हैं 13 तारीख को, दिया गया है कि 13 को आने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है वो 8 तारीख को है और आपको ज्वाइनिंग 1/4/2020 में है। तो क्या ये सही है या नहीं है इसका आज हम पूरा आपको चेक करके, और देखिए हम आपको बता दें कि जो इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 13 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। रिजल्ट अगर नहीं आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आता है तो हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है, पहले आप ट्रेड देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे आना है, अपना कैटेगरी देखना है कि आपका किस कैटेगरी में आप आते हैं, उसके हिसाब से अपने ट्रेड वाइज हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज देख लीजिए। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको भी देख सकते हैं ऐसे। तो देखिए हम बता दें आपको, वेल्डर जो आपका एक कोड है इस पर नहीं आपको ध्यान देना है, जो आपको एक कोड है इस पर आपको नहीं ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जो कि UR का देख सकते हैं 78 बना है, SC का जो कि 75 बना है, ST का 75 बना है, OBC का 76 बना है, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड में आते हैं उनका अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाया। जो और एक मेरे भाई है जो एक सर्विस मैन में, वो बहुत कमेंट करते हैं कि क्या मेरा होने का चांस है या नहीं है, तो आप भी अपना देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्विस मैन का पूरा दिया गया है, अपना ट्रेड हिसाब से देख सकते हैं किस ट्रेड में अगर आप आते हैं उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो देखिए इसको जो हाइएस्ट आप लोग कट ऑफ पता ही है किसका बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रीशियन का दिया गया थोड़ा 81 है, 79 है, 86 है, तो यही आपका कैटेगरी बना है। और यहाँ पर आपको फिटर का भी दिखा दें, तो देखिए यहाँ पे पाइप फिटर का बहुत ही लो बना है, ज़्यादा कोई इसका परसेंटेज बहुत ही मुंबई वेस्टर्न रेलवे का बहुत ही कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो गया है बच्चों का। तो इसमें इस बार भी जो आपका है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया 80, तो 80 है तो आपका बहुत बनेगा, तो 81 बन सकता है, 82 बन सकता है, या घट के आपको 79 भी बन सकता है। तो परसेंटेज कोई फिक्स नहीं रहता है, फार्म के ऊपर होता है, जितना फार्म आता है उसी के हिसाब से परसेंटेज को तैयार किया जाता है। तो देखिए बहुत से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कट ऑफ के ऊपर, जयपुर के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा कट ऑफ के ऊपर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं जितने भी आपको आप समझ चुके होंगे, आप यहाँ पे वायरमैन दिया गया, इलेक्ट्रीशियन दिया गया है, मशीनिस्ट मोटर व्हीकल दिया गया है, तो यहाँ पेंटर दिया, कारपेंटर दिया, तो इन सबों का कट ऑफ थोड़ा बहुत ही नॉर्मल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपना हिसाब से आप देख लीजिए ट्रेड वाइज, अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट करिए, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। अगर टॉपिक अच्छा रहेगा, सभी भाई लोगों को हेल्प के लिए हम वहाँ पर आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो देख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।